हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी टीज वेंचर। मेरा नाम धवल ठक्कर। आज आपके सामने मैं जो स्टॉक लेकर आया हूँ, वो स्टॉक के अंदर आपको एक 5,000 रुपये की एक SIP करके चलना है। यहाँ पर 2,500 के आसपास में क्वांटिटी आपको बाई करनी है ये स्टॉक के अंदर। और ये पेनी स्टॉक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया आज ये स्टॉक्स के अंदर के, हाँ भाई चलो एक छोटा सा 5,000 रुपये का एक SIP का हम टारगेट बना के चल सकते हैं ये स्टॉक के अंदर। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि मतलब आने वाले एक साल के अंदर ये स्टॉक आपको 8 से 10 गुना रिटर्न दे सकता है। और उसी के बारे में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि स्टॉक जो है, स्टॉक का नाम जो है वो है GTL इंफ्रा। 1.80 रुपया का भाव चल रहा है आज मार्केट के अंदर उसका। उसका जो 52-week लो था वो 60 पैसे का 52-week लो था, और जो हाई था वो 1.90 के आसपास में। मतलब कहीं ना कहीं वो इस बार वो 52-week हाई के आसपास में ही चल रहा है। मार्केट कैप जो है ये स्टॉक का 2240 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और इसका जो रेवेन्यू है पिछले 5 साल का कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, वो रेवेन्यू उसका कहीं ना कहीं 1400 करोड़ और 1500 करोड़ के बीच का उसका रेवेन्यू है। और लॉस मेकिंग कंपनी है, कंसिस्टेंट उसके लॉस अभी भी हो ही रहे हैं। यहाँ पर जो उसने 2017 के अंदर जो उसका लॉस था, वहाँ पे 1540 करोड़ के आसपास का लॉस था, अभी 1816 करोड़ के आसपास का लॉस है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत एक मान के चल सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि अदर इनकम के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो 2019 में इसकी अदर इनकम जो 11 करोड़ थी, वहीं पे 2023 के अंदर उसकी अदर इनकम 27 करोड़ है। अब जो दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक मेरे रडार में आया हुआ है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर हमें एक छोटा सा 5,000 का SIP का एक इन्वेस्टमेंट हमें करके चलना चाहिए आने वाले दिनों के लिए। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ये स्टॉक का मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रमोटर की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास में सिर्फ 3.25% की होल्डिंग है एज ऑफ नाउ। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करने जाऊँ तो प्रमोटर के पास 3.25 है, FIS के पास कुछ 0.% के आसपास में उसके पास में हिस्सेदारी है। और जो स्पेशली जो अगर यहाँ पर मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो DIIs, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शायद DIIs की ये कंपनी चलाने वाली है अभी, कि DIIs के पास में 45% की होल्डिंग है यहाँ पर। अब मैं दूसरी बात करूँ कि ये स्टॉक मेरे रडार पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है कि समथिंग इज़ फिशिंग इन दिस स्टॉक, और जो हमें आने वाले दिनों के अंदर शायद हमें देखने मिल सकता है उसका प्राइस वॉल्यूम। और मैं अगर डेली एवरेज, मंथली एवरेज या वीकली एवरेज और डेली एवरेज की अगर मैं वॉल्यूम कंपैरिजन करूँ तो वो आपके सामने मैं रखूँगा। जैसे कि अगर लास्ट 1 मंथ की इसकी एवरेज वॉल्यूम अगर मैं आपको बताऊँ तो 19 करोड़ के शेयर्स की इसकी एवरेज वॉल्यूम थी लास्ट 1 मंथ की। लास्ट 1 वीक की अगर मैं इसकी एवरेज वॉल्यूम आपको बताने जाऊँ तो 20 करोड़ की इसकी शेयर्स की वॉल्यूम थी लास्ट 1 वीक की। कल अकेले इसकी जो वॉल्यूम थी यहाँ पर वो 27 करोड़ की उसकी वॉल्यूम थी। और इनफैक्ट आज भी अगर आप देखने जाओगे इसको, आप ट्रैक कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर आपको देखने मिलेगा कि आज भी इसके अंदर 27 करोड़ का वॉल्यूम बेस हमें डेवलप होते हुए दिखा है। मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर अगर मैं ये मान के चलूँ कि हाँ भैया चलो DIIs के पास में 45% स्टॉक शेयर होल्डिंग है, और अगर ये 2 दिन से अगर ये वॉल्यूम अगर डेवलप करे जा रहा है तो एक ये रिस्क ही होगा। इसलिए मैं रिस्क है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये का ही एक SIP बना के चलिए, और उसके बाद में आपकी पर्सनल जो एपेटाइट है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो ये स्टॉक के अंदर। लेकिन मेरा मानना है कि मतलब आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ये स्टॉक कम से कम 4 से 5 गुना यहाँ पर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 8 से 10 रुपये का टारगेट जो हिसाब से प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से मुझे लग रहा है कि ये 8 से 10 रुपये का टारगेट आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर हमें देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक अपने रडार पे रखिए। एंड यस, मेरी जो भी आपको मैं स्टॉक रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, पेनी स्टॉक्स, जो कुछ भी है, सारे चीज़ों के लिए अगर आप चाहो तो ये मेरा रिकमेंडेशन। और डिस्क्लेमर सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर www.dtventure.in। ये मैं अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं जो मैं अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DT Venture पे। थैंक यू।